मिल्क पाउडर का टेस्टी हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और दूध डालकर इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिलाएंगे। पूरा मिलाने के लिए 1 कप तक का दूध लगेगा। ज्यादा गीला नहीं करना है, सिर्फ एक पेस्ट जैसा होना चाहिए। बिना लम्स यानी कि बिना गुठलियों के अच्छी तरह से घोल तैयार कर लेना है। मिल जाने के बाद में गैस ऑन करेंगे और मावे की तरह पकाना है हमें। फ्लेम को मीडियम से लो रखना है और लगातार चलाते रहना है। कलछी की सहायता से किनारों और नीचे से इस तरह से निकालते भी रहना है। थोड़ा गाढ़ा होने के बाद 1 चम्मच घी डालेंगे और मिला लेंगे अच्छे से। इस स्टेज पर आने के लिए 10 मिनट तक का समय लगेगा। मावे की तरह दिखने लगेगा। अब इसमें और 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। पूरे प्रोसेस के लिए 20 मिनट तक का समय लगेगा और लगातार आपको हिलाते रहना है। इस तरह से चलाते हुए मावा हमारा एकदम दानेदार और गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसे पकाने में थोड़ी मेहनत है, लेकिन मेहनत का फल टेस्टी होगा। गैस ऑफ करने के बाद टगार को इस मिश्रण में मिला लेना है। टगार यानी कि बूरा। जितना हमने मिल्क पाउडर लिया है उसका आधा टगार हमें मिलाना है। टगार चीनी से बनाया जाता है, इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। मिला लेने के बाद में 1/4 से भी कम दूध डालेंगे। हमें सिर्फ इस मिश्रण को थोड़ा गीला करना है। उससे आप इस तरह का लड्डू भी बना सकते हैं या फिर हलवे की तरह भी सर्व कर सकते हैं। मिल्क पाउडर से टेस्टी हलवा बनकर तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद।